ये है स्टोरियस और आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी में यूज होने वाली कुछ टर्म्स की। सबसे पहले टर्म है प्रीडेटर्स। इस टर्म का यूज ग्लोबली किया जाता है, स्पेशली साइकोलॉजिकल चीजों को स्टडी करने में इस टर्म का काफी यूज होता है। प्रीडेटर्स ऐसे ग्रुप्स या ऐसे लोगों को कहा जाता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को एक्सप्लॉइट करने में इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसा करने में इन्हें सपोर्ट मिलता है ICT से। ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पुराने टाइम में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन उतना आसान नहीं था, लेकिन आज इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को बहुत आसान कर दिया है। ICT को डेवलप करने का रीजन था कि लोगों की जिंदगी आसान हो, और आसान हुई भी है। हर इन्वेंशन अपने साथ में कुछ प्रोज एंड कॉन्स लेकर आता है। आज इंटरनेट पर ढेरों इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और प्रीडेटर्स इस इन्फॉर्मेशन का बखूबी फायदा उठाना जानते हैं। यही प्रीडेटर्स कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ता है। चाहे फिर वो किसी भी तरह की इंटरनेट ट्रोलिंग हो, साइबर बुलिंग हो, या किसी को ऑनलाइन स्टॉक करके उसे परेशान करना हो। नेक्स्ट टर्म आती है डार्क सिंगुलैरिटी। जब साइंटिस्ट ने ब्लैक होल को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि उसके एब्सोल्यूट सेंटर में एक सिंगुलैरिटी है, और यही डार्क सिंगुलैरिटी इतनी पावरफुल है कि वो लाइट तक को बचकर नहीं जाने देती। बहुत सारे राइटर्स ने डार्क साइकोलॉजी पर लिखते टाइम एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी को एक मेटाफर के तौर पर इस कंसेप्ट को समझाया है। जैसे ब्लैक होल के सेंटर में डार्क सिंगुलैरिटी होती है, ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी यूनिवर्स में डार्क साइकोलॉजी का एब्सोल्यूट सेंटर होता है डार्क सिंगुलैरिटी। डार्क सिंगुलैरिटी प्रीडेटर्स की वो पावर है जो दूसरे ह्यूमंस को अपना शिकार बनाती है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर एम्पैथी, सिंपैथी, दया भाव, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जिस भी इंसान के अंदर ये सारी चीजें कम से कम होंगी, वो डार्क सिंगुलैरिटी के उतना ही नजदीक होगा। मतलब आप उसे एक साइकोपैथ कह सकते हैं। सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जंग के कंटेम्पररी एक और डॉक्टर हुए थे अल्फ्रेड एडलर, जो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ग्रेट फिलोसोफर भी थे। उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, उनमें से एक थ्योरी ये थी कि इंसान जन्म से लेकर मरने तक जो भी करता है, सोचता है, उसमें कोई ना कोई पर्पस होता है। सुनने में तो उनकी ये थ्योरी बहुत सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत कॉम्प्लेक्स थी। बच्चों को सिखाया जाता है कि वो काइंड रहें, केयरिंग रहें, कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि वो अपने अंदर ग्रेट एक्सेप्टेंस की फीलिंग को डेवलप कर पाएं और उन्हें लगे कि वो एक ग्रुप का पार्ट है। लेकिन धीरे धीरे जब वही बच्चे बड़े होते हैं और उनके किए गए किसी काम को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाते हैं, तो वो किसी नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और जैसे ही वो अपने पर्पस से दूर जाते हैं, धीरे धीरे जो उनको सिखाया गया था काइंडनेस, रेस्पेक्ट और डिग्निटी, वो उससे भी दूर होते चले जाते हैं। सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जंग के अकॉर्डिंग डार्क साइकोलॉजी ये अज्यूम करती है कि जितने भी बिहेवियर हैं उनमें से 99.99% पर्पसिव होते हैं। अल्फ्रेड एडलर ने अपनी एक फिलोसफी दी जिसे टेलियोलॉजी का नाम दिया गया। जैसे जैसे ह्यूमंस को डिस्करेज किया जाता है, आइसोलेशन बढ़ता चला जाता है और वो सोशल एनवायरनमेंट से कटने लगता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आगे जाकर नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ बन जाते हैं। नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ बहुत सेल्फिश होते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को विक्टिम बनाते हैं। जैसा कि कार्ल जंग और सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि डार्क साइकोलॉजी में जितने भी बिहेवियर्स होते हैं उनमें 99.99% का कोई पर्पस होता है, लेकिन बचा हुआ 0.01% ये वही है जो एडलर ने अपनी थ्योरी दी थी। यही है डार्क सिंगुलैरिटी। और जिनमें ये 0.01% डार्क सिंगुलैरिटी होती है, वो विदाउट पर्पस दूसरों को अपना विक्टिम बनाते हैं। एडलर की सेकंड थ्योरी को नाम दिया गया सब्जेक्टिव प्रोसेसिंग। हम सभी के अंदर थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं और जिनकी वजह से हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। एडलर बिलीव करते हैं कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बर्थ ऑर्डर, पोजीशनिंग, फैमिली डायनेमिक्स, क्वालिटी ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, इन्फीरियरिटी वर्सेस सुपीरियरिटी, ये एक इंसान के अंदर परसेप्शनल एक्सपीरियंस को डेवलप करते हैं। जिस बच्चे का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा होता है, वो पूरे वर्ल्ड के बारे में फिर वैसा ही सोचने लगता है। ऐसे लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उन पर अटैक करना चाहते हैं, और अपने परसेप्शन की वजह से वो दूसरों के रिएक्शन से पहले ही उन्हें अपना विक्टिम बना लेते हैं। एडलर ने थर्ड थ्योरी दी
सोशल इंटरेस्ट। किसी इंसान को समाज में जितना ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है वो उतना ही काइंड, हम्बल और दूसरों को एक्सेप्ट करने वाला बनता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर कोई डार्क फैक्टर नहीं है। डार्क फैक्टर सभी के अंदर है, बस जब हमें सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाती है तब हमारा डार्क फैक्टर कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट टर्म है डार्क कॉन्टिनम। ह्यूमंस के डार्क फैक्टर को समझने के दौरान हमें डार्क कॉन्टिनम को समझना बहुत जरूरी है। डार्क कॉन्टिनम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्चुअल लाइन है जिसके अंदर सारे क्रिमिनल, वॉयलेंस और दूसरों को परेशान करने वाले बिहेवियर आते हैं। कॉन्टिनम बहुत कम या सीरियस और पर्पसिव और पर्पसलेस भी हो सकता है। डार्क कॉन्टिनम को डार्क साइकोलॉजी में इफेक्ट की सीरियसनेस को नापने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम डार्क कॉन्टिनम का यूज डार्क साइकोलॉजी के सिम्टम्स को देखने के लिए यूज करते हैं तो साइकोलॉजिकली और इमोशनली वॉयलेंस को लेफ्ट साइड देखेंगे, जबकि मेंटल डिस्टर्बेंस को कॉन्टिनम के राइट साइड देखेंगे। जैसा कि साइकोलॉजिकली स्टडी में ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो जब कभी डार्क साइकोलॉजी की बात की जाती है तो उसके सिम्टम्स को ऐसे ही कैटेगराइज करके लेफ्ट और राइट रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप एक मैच्योर इंसान हैं और आपको भी पता होगा कि लाइफ हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहती है। हमें लाइफ में उतार चढ़ाव देखने होते हैं, तरह तरह के लोगों को फेस करना होता है और इसी दौरान हमारा लोगों की डार्क साइड से भी सामना होता है। अब हम आपको लोगों से जुड़े हुए चार डार्क फैक्ट्स बताएंगे। फर्स्ट है, अनफेथफुलनेस इज स्ट्रॉन्गली टाइड विद होमिसाइड। डेली और विल्सन ने 1988 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मॉडर्न ह्यूमंस होमिसाइड के नेचर को बहुत बड़े नंबर में शो करते हैं। होमिसाइड का मतलब है मानव हत्या। ये रिपोर्ट टोरंटो और डेट्रॉइट के क्राइम डेटा पर बेस्ड थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने काफी सारे डार्क कंक्लूजंस बताए, जिनमें से एक कंक्लूजन ये था कि लोग अनफेथफुलनेस की वजह से किसी दूसरे की जान ले सकते हैं। अक्सर इस तरह के केसेस कपल्स के बीच बहुत देखे गए जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट करता है और पहला पार्टनर उसका बदला लेता है। सेकंड डार्क फैक्ट है द सिंड्रेला इफेक्ट। स्टेप पेरेंटिंग में इस तरह के केसेस देखे गए। इस रिसर्च में कई सारे फिलिसाइड के केस आए जिसमें अपने ही बच्चे को मारने के केसेस थे। इस टॉपिक पर बहुत डीपली रिसर्च हुआ और स्टेप पेरेंट्स को इस तरह के मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व पाया गया कंपेयर टू बायोलॉजिकल पेरेंट्स। डेली और विल्सन ने इस फैक्ट को द सिंड्रेला इफेक्ट का नाम दिया। ये फैक्ट लोगों को ये समझने में हेल्प करता है कि इविल स्टेप पेरेंट किस तरह से फिलिसाइड में इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड फैक्ट है, ह्यूमन एक्सपीरियंस में सभी तरह की चीटिंग शामिल होती है। देखिए, ये तो बहुत अच्छा है कि अगर लोग एक दूसरे पर विश्वास करें, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता। लोग एक दूसरे को चीट करते ही रहते हैं, चाहे वो कहीं फेयर शेयर की बात हो या फिर किसी इनफिडेलिटी में इन्वॉल्व होने की बात हो। फोर्थ फैक्ट है, फीमेल्स के कंपैरिजन में यंग एडल्ट मेल की टाइम से पहले डेथ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। क्रूगर और नेसे ने 2006 में ये रिसर्च किया कि अलग अलग कल्चर्स में यंग मेल्स लगभग 15 से 25 साल के बीच उनकी फीमेल्स के कंपेयर में टाइम से पहले डेथ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसका रीजन भी कहीं ना कहीं डार्क साइकोलॉजी है, क्योंकि फीमेल्स के कंपैरेटिवली यंग मेल्स डार्क साइकोलॉजी का शिकार होते हैं और जहां पर प्रीडेटर्स उन्हें अपना विक्टिम बनाते हैं, रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते और किसी भी तरह का अटैक होने पर वो उसका सामना करते हैं। इन केस प्रीडेटर बहुत पावरफुल है तो यंग मेल्स के लिए लाइफ थ्रेट बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म रिवर्स साइकोलॉजी पर। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो इंसान के रिएक्शंस पर काम करती है, अक्सर उनके ईगो को शो करती है। ये स्पेशली उन लोगों पर इफेक्टिव है जिनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ये बहुत इजी स्ट्रेटजी है, लेकिन इसका यूज काफी कंफ्यूजन भरा हो सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ईगोइस्टिक इंसान है और कोई उसको कुछ करने के लिए कहता है या उसे कोई चैलेंज देता है, तो उसकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगी? मतलब वो अपने अंदर पहले क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि जो भी मुझे कहा जा रहा है मैं इसका बिल्कुल उल्टा करूंगा। ये सब वो अपने ईगो को बनाए रखने के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर कोई इन रियलिटी उस इंसान को जानता है कि वो ईगोइस्टिक है तो वो उसके रिएक्शंस को प्री एज्यूम कर सकता है।
तब वो अपना काम करवाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी को यूज कर सकता है। अब उस इगोइस्टिक आदमी से आपको काम कराना है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि अरे ये तो आप नहीं कर सकते। तब अपने ईगो में वो इंसान उस काम को करने के लिए जरूर आगे आएगा। यहाँ पर आपकी रिवर्स साइकोलॉजी की ट्रिक काम कर जाती है। नेक्स्ट टर्म है इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशनल मैनिपुलेशन तब होता है जब कोई इंसान अपनी बात मनवाने या आपको कंट्रोल करने के लिए आपके इमोशंस के साथ ट्रिक करता है। ये बहुत क्लेवर ट्रिक है जिसमें मैनिपुलेटर आपके इमोशंस को यूज करके आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इमोशनल मैनिपुलेटर्स के पास एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें वो आपको हर्ट करके इस तरह से दिखाते हैं कि आपने कुछ गलत किया है। रिलेशंस में जब कोई गिल्टी महसूस करता है तो वो अपने बिहेवियर को बदल सकता है। मैनिपुलेटर्स इस पर अड़े रहते हैं और हमेशा पिछली गलतियों को सामने लाते हैं या आपको बार बार बुरा महसूस कराते हैं। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, आप सब कुछ इसलिए चेंज कर रहे होते हैं क्योंकि आपको गिल्टी फील हो रहा होता है और यही मैनिपुलेटर्स की फेवरेट ट्रिक्स में से एक है। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है जब आपका कोई करीबी आप पर इस ट्रिक को आजमाता है। ऐसे मैनिपुलेटर्स नार्सिसिस्ट होते हैं जिन लोगों का ईगो बहुत बड़ा होता है और हमेशा वो अपनी तारीफ चाहते हैं। ऐसे में वो आपको बुरा महसूस कराते हैं जिससे आपको खुद पर शक हो और मैनिपुलेटर्स का ईगो बढ़ता रहे। नेक्स्ट टर्म आती है चॉइस रेस्ट्रिक्शंस। ऐसे में मैनिपुलेटर्स आपके सामने बस थोड़े ही ऑप्शन दिखाता है जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि आपको बेस्ट चीजें ना मिल सकें। मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है और आप अपने साथ शॉपिंग के लिए अपने फ्रेंड को ले जाते हैं। आपका फ्रेंड मन ही मन आपसे बड़ा जेलस है लेकिन इस बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। आप उसे अपना सबसे बड़ा वेलविशर मानते हैं तभी उसे अपने साथ लेकर आए हैं। लेकिन कार शोरूम में पहुंचने के बाद आपका फ्रेंड आपको बस कुछ ही ऑप्शन देखने देता है। बेस्ट ऑप्शंस की हमेशा बुराई करके आपको उनसे दूर कर देता है और आपको लिमिटेड ऑप्शंस में से ही कोई एक चुनने के लिए मजबूर करता है। आपको अपने फ्रेंड पर पूरा विश्वास है, आप उसकी बात मान भी लेते हैं और उन्हीं चुने हुए ऑप्शंस में से कोई एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी चॉइस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आपको अपने आसपास मैनिपुलेटर्स को पहचानना होगा ताकि आप लिमिटेशन में ना बन सकें। नेक्स्ट टर्म आती है गैस लाइटिंग, जिसे हमने अपनी पिछली डार्क साइकोलॉजी की वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गैस लाइटिंग वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज 1930 के डेकेड में एक ब्रिटिश प्ले में हुआ था। उस प्ले का नाम ही गैस लाइट था, जिसमें कहानी एक हस्बैंड के बारे में थी जो अपने घर में गैस लाइट को कम ज्यादा करके अपनी वाइफ को मेंटली और इमोशनली ये ट्रस्ट कराता है कि वो पागल है। हस्बैंड का कैरेक्टर इस प्ले के अंदर वाइफ के कैरेक्टर को ये बिलीव करा देता है कि वो सारी चीजें उल्टी सीधी कर रही है। इस प्ले का एंड बहुत सैड होता है। एंड में वाइफ को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। ऐसे ही गैस लाइटिंग में एक इंसान दूसरे इंसान को मैनिपुलेट करता है और उसे कंफ्यूजन की कंडीशन में डाल देता है जिससे सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता और इस तरह के कंफ्यूजन का फायदा मैनिपुलेटर को मिलता है। तो इस वीडियो में डार्क साइकोलॉजी पर हमने जो भी टर्म्स एक्सप्लेन की हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपके कोई फीडबैक है या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे नए चैनल स्टोरियस शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करें और अगर आप स्टोरियस हिंदी पॉडकास्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक या बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।